अररिया प्रखंड के कुसियार गांव पंचायत के वार्ड नंबर 13 के ऋषिदेव टोला में शॉर्ट सर्किट से रात करीब 11 बजे आग लग गई। इस आग से दो मवेशी सहित लगभग लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। स्थानीय मुखिया मानिक चंद ने बताया कि सुबह जब वे सोकर उठे तो आग लगने की सूचना उन्हें मिली, जिस पर उन्होंने बिजली विभाग को फोन किया तो बिजली विभाग के द्वारा कहा गया कि हमने आदमी भेज दिया है, जबकि यहां पर कोई मिस्त्री आया ही नहीं। यह सरासर बिजली विभाग की लापरवाही है, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। घर की महिला सदस्य ने बताया कि हमारा बहुत नुकसान हुआ, दो मवेशी जल गया और दो घर जलकर राख हो गया, साथ ही ढेर सारा सामान जल गया है, खाने पीने का भी सारा सामान जल गया, जिसके वजह से अभी तक हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है। 11 बजे रात में लगा, सास ससुर सुता हुआ है, उठा घर में बाल बच्चा लेकर सो गया, साफी हमको पते नहीं है कि कब आग लागले नहीं लागले, हम नहीं जान लिए। सास लोग का हल्ला कर लगे तो हम सब जाग लिए घर में, जब हमारा आग पकड़ लगे नहीं तो बाल बच्चा समेत सब चीज जल जितिए, तीन माल जल गए, दू घर जल जर गए, एकटा बस्तर नहीं पीने वाला छे, एकटा घर रे ओकरा में सब बाल बच्चा सब कपड़ा रे, दो सास पुतोक माल जाल जितना चीज में बिखो रे सब जर गए, खाए पिए अखनी खाए को कती नहीं छे की खेबे, बाल बच्चा भी नहीं सब भूखा। सर आग लगा है बिजली से 11 बजे रात में, दो गाय जला है और सामान मानुसी घर में था, लेरू तो बच गया वो भी जला है, लाखों का नुकसान है। जब हम सुबह सो के उठे बाहर आए तो किसी ने बताया कि वार्ड नंबर 13 में आग लगने से जो है दो मवेशी और घर जल कर राख हो गया है। तो हम घटनास्थल पर आए तो पता किए तो बोला कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और इससे जो है दो गाय जल करके राख हो गया और घर क्षति हो गया, एक लेरू जो है किसी तरह बच करके निकला है। उसके बाद इस घर में जो रखा हुआ सारा सामान जल करके राख हो गया। यह बिजली का और मीटर का जो गलत कनेक्शन और जर्जर हालत के चलते यह शॉर्ट सर्किट से आग लगा है। बिजली विभाग को फोन करने के बाद जय ने कह रहा है कि हमने अपना आदमी को भेजा और वहाँ का तार काट कर करके वहाँ हटाया गया है, जबकि कोई मिस्त्री यहाँ आया नहीं। ये बिजली विभाग का उदासीनता है और जय को फोन करने के बाद फोन रिसीव नहीं करता है। 8 महीने पर आज उनसे बात हुई है, ये जो है जय बहुत लापरवाह और जवाब दे नहीं है, उन पर जो है ये इसका जो है कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि यहाँ का बिजली व्यवस्था सुधार सके। जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास, बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी